हेलो, मैं हूँ प्रिंस। मैं अब व्लॉग को कंट्रोल करता हूँ। यू डोंट, देखो कितना सारा शॉपिंग किया। शॉपिंग नहीं किए हैं, मंगा के अभी हो गया बहुत टाइम। इसके अंदर इतना सारा इतना गंदा कि वो है ये जगह, लेकिन मम्मी गंदी नहीं है। हम देख रहे हैं सिंचन प्यारा प्यारा। ये देखिए, मैं चुपके से आपको दिखा देता हूँ आज वो क्या बनाने वाली है। ये आज का इंग्रेडिएंट है मसूर, और ये है हम जिसको बोलते हैं सूरजमुखी का, ठीक है ना। और ये सरप्राइज है, अभी मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। छिलके मसूर, खड़ी मसूर का दाल बनाऊंगी, उसमें डालूंगी मसूर दाल। अब इसमें आम डाल देते हैं, नमक, हल्दी पाउडर। अब इसको ढक के 6 सीटी लगा देंगे। और दूसरे स्टाइल में बनेगा जिमी का अंडा सूरन। ये क्या है ना, ऐसे लंबे लंबे काट ले रही हूँ और इसको उबाल के काट रही हूँ। लोहे के कढ़ाई में अचार का तेल ले ली, जीरा, हींग, कड़ी पत्ता जो उबाल के रखी थी, जीरिकांदा, धनिया पाउडर, गरम मसाला, हल्दी पाउडर, नमक, जिंजर, गार्लिक, चिली का पेस्ट। खुले खुले में ही पकाना है, ढकना नहीं है। हल्का ड्राई ड्राई हो गया, अब आमचूर पाउडर। ये देखिए हमारा दाल है जो अच्छे से पक गया है, लोहे की कढ़ाई में बहुत अच्छे से सीखता है। अब हमको लगाना है दाल में छौंक। प्रिंस जिया को लहसुन पहले पसंद नहीं था, लेकिन अब क्या लहसुन पसंद करने लगे हैं धीरे धीरे। बड़े होते होते टेस्ट चेंज हो गया। सरसों, जीरा, हरी मिर्च, जीरा लगा के डाली, कड़ी सांभर पाउडर, और ये हो गया हमारा छौंक तैयार। और इसको डाल देंगे मसूर के दाल में। वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पे सब देखा जा रहा है, आपसे बाकी हमारे फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि आप लेटे लेटे दिन भर करते क्या हो। थोड़ा सा मोबाइल देखता हूँ, थोड़ा सा टीवी देखता हूँ, थोड़ा सा मैं खेलता हूँ, वो मतलब बास्केटबॉल हो गया, वो खेल लेता हूँ कभी कभी, कैच अपने ऐसे 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 करके, हाथ छोटा, हमारे पास एक छोटा सा बॉल है उसको हाथ में ऐसे ऐसे करके खेलते रहता हूँ, या तो कुछ ना कुछ ऐसे। देखो मेरे पास हाथ में अभी ये है, मैं ऐसे करके इसको मोड़ तोड़ ये सब करते रहता है। और आपके ये सिल्की घने बालों का राज क्या है, सभी कोई जानना चाहते हैं। मम्मा के बाल। मम्मा का बाल का क्या है? मम्मा और पापा के बालों का मिक्स। ओके, बॉन्ड। लेकिन ये कभी भी इसमें नहीं जाता, ये इतना सिल्की है कि नीचे आ जाता है। और ये देखिए हमारी जिमकांदा की सब्जी तैयार हो चुकी है। बताइए लॉकडाउन में कैसा महसूस हो रहा है? थोड़ा बाल झड़ा झड़ा महसूस हो रहा है। अब बहुत जंग की भूख लग रही है, मेरा राइस बस बचा है, फिर हो गया है। बाल को कब खोलू, लग रहा है गीला गीला है। और इसमें खूब सारा धनिया पत्ती डाल देंगे और इसको चला देंगे। आज जिद चढ़ी है प्रिंस को कि मम्मा खिलाएगी। क्योंकि वो अपने हाथ से नहीं खाऊंगा बोल रहा है। है ना, वाओ, एकदम टेस्टी है। तेज हवा, बारिश आने वाली है। जैसे ही हमने एंटर किया छत में, एक एक बूंद हमारे घर पे
ऐसे चलते नहीं तो देखो कितना बादल तो दिखो इधर पूरा ब्लैक हो गया और सूरज भी बेचारा दिख रहा है थोड़ा थोड़ा वो भी छुप गया है कितना ब्लैक हो गया है। वाओ सुस्त पड़ी हूँ, चाय अभी नहीं बना है। राम चले गए ऑफिस और चाय पीने का बहुत मन हो रहा है और बादल भी बहुत जोर जोर से कड़क रही है ना। हाँ एकदम जोर जोर से आवाज हो रहा है। ये पेड़ देखिए क्या मस्त लग रहा है और देखिए क्या सीन लग रहा है यार। और देखना चिड़िया आएगी तो और अच्छा सीन, क्लिक करने का मन कर। वाओ पेड़ पे सब पेड़ पे थोड़े थोड़े पत्ते हरे हरे होने लगे हैं। बहुत अच्छा पत्ते लाल थे क्या जो हरे हो रहे हैं? नहीं मीन उगना शुरू हुआ है, हरा हरा उगना शुरू हुआ है ऐसा बोल रही हूँ जी। और मैं वॉक एंड टॉक करते हैं, फिर राम के आते ही चाय पियेंगे। आज मैंने अपना बाल धोया है, अब बढ़ने लगा है जिया का बाल, लंबे लंबे बाल। कोई लंबे नहीं है, काट ली है, मोटे जरूर हैं। इतने थे इतने, हाँ इतने ज़्यादा थे, हाँ सिर्फ काट ली है। चलिए तो हम वॉक कर लेते हैं, जब आ चुके हैं तो चाय का टाइम हो चुका है। चाय अभी तुरंत बनाएंगी, मैम बोली है मैं तुरंत अभी घर जाकर चाय बनाऊंगी आपको पिलाऊंगी, क्योंकि आप तुरंत ऑफिस से आए। मैंने कहा ठीक है, हाँ हाँ मैं बनाऊंगी। यस हम भी पियेंगे, दोनों पियेंगे। हाँ तो चलिए, मौसम बहुत सुहाना हो रहा है। हाँ। हल्का बूंदाबांदी ऑफिस क्षेत्र में था, यहाँ भी हुआ है। बारिश हो गया बंद भी हो गया। अब हो गया है 7 o'clock और हम बना रहे हैं चाउमीन, सिंपल सा। ओलिव ऑयल में ये प्याज और हरी मिर्ची डाल दी और ये देखिए ये है हमारे घर का शिमला मिर्च और ये भी जाएगा इसमें। ये वही पौधे का शिमला मिर्च है जो छोटा सा है था। जिसको राम क्या बोल रहे थे कि इसको एक काम करो, एक शिमला मिर्च को तोड़ लो और भरवा नहीं, हाँ मेरे लिए भरवा शिमला मिर्च बना दो और मैं खा लूंगा। तो ये था हम सबके लिए, इसलिए वो आज ये बच गया, चाउमीन में आ गया। हाँ क्योंकि तुम भरवा भी बनाने वाली थी। हाँ एक कटोरी में केचप ले ली और चिली सॉस डाल देंगे अच्छे से भर के। ये है ग्रीन चिली सॉस, हाँ हमारे यहाँ तीखा पसंद किया जाता है इसलिए। और ये सोया सॉस भी खत्म हो गया, ये सोया सॉस डाल दिया जाएगा। आज सबका लास्ट है और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसी में पानी डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसको हम लोग डाल देंगे और ये हो गया। अब इसमें डाल देंगे ये चाउमीन और नमक। मूवी को कंप्लीट देखेंगे हम लोग, का आधा मूवी हॉरर मूवी आधा देखे थे और अब आधा कंप्लीट करेंगे। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल दें और इसको भी धो के डाल दे। उबालना सब ठीक। हाँ ये जो मिक्स करना होता है ना ये सबसे टफ काम होता है, अगर कढ़ाई छोटी है तो और खास कर। और ये प्लेन वेज मेयोनीज डाल देंगे 1 चम्मच, 1 से 3, 2 और ये 3 चम्मच चटनी। आज हमारा सोया सॉस खत्म हो गया, आज हमारा ग्रीन चिली सॉस खत्म हो गया, आज हमारा शेजवान चटनी भी खत्म हो गया। ये शेजवान चटनी और ये आ गया है हमारा चाउमीन। इसको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। उसका प्लेट बड़ा वाला मेयोनेज़
हाँ, मैं तो भरवा मांग रहा था। ये लीजिए शिमला मिर्च वाला। मेरा तो भरवा और मेरा तो दो दो शिमला मिर्च है। मेरे क्या पता था आप लोग उसमें वो क्या कहते हैं चाउमीन भर के दोगे। देखो टेस्ट ये लो भाई। वाओ लो जी। हाँ मैं उन्हीं दो डालोगे येलो शिमला मिर्च का बेटा हुआ था। बधाई हो आपके यहाँ बेटा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। ये लास्ट पार्ट में डलेगा जिया दीदी। हाँ हेलो गाइस, लाइक और सब्सक्राइब कर देना, कमेंट जरूर करना ना।